नमस्ते आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है आ रही आ uh, मैं आपका सुन रही थी इससे पहले तो आपने ललिेश्वरी देवी को कोट करके बोला था कि uh, नदी पार जाना है लेकिन सांझ हो गई है तो उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी और मुझे एक्चुअली बहुत डर लगा जब मैंने वो पूरा सुना बिकॉज़ uh, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो uh, हम सब जो कॉर्पोरेट जॉब्स में हम uh, सोचते हैं कि फोर्टी तक रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो करना है एक्चुअली जिंदगी में तब करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे कब, बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा बिकॉज यू गेट ओल्ड एनर्जी कम हो जाती है आपके अंदर लेकिन आप जैसे कहते हैं मुझे जो बात समझ में आई है कि निष्काम कर्म करने के लिए uh, उसके लिए थोड़े रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं टाइम uh, मनी तो अभी डे टू डे लाइफ में तो

हम घिसा पिटा टू स्टेप प्रोसेस लेते हैं ना ये आमतौर पे सफल होता नहीं है वही टू स्टेप प्रोसेस आप जिसकी बात कर रहे हो कि इतनी उम्र तक पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद हम आ, कोई अच्छा काम करेंगे ज़िंदगी में वो वो अटम्प्ट लगता है लगता है कि सफ़ल हो जाएगा होता तो नहीं है होता तो नहीं है मैंने अपने घर में देखा था सब सरकारी ऑफिसर ही थे मेरे नाना थे पिता थे ये लोग जब इनसे मैं बोलता था कि आप लिखते क्यों नहीं हैं आप लेखक हैं कभी हैं तो बोलते थे रिटायर हो जाएंगे तो करेंगे और अब वो चले गए हैं तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ था असल में काफ़ी लिखा था अपने रिटायरमेंट से पहले का वो मैं लेके आ गया हूं उसको प्रकाशित करूँगा रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा तो ये जो रिटायरमेंट की आस है ना ये बहुत बड़ा धोखा होती है कि रिटायर होके कुछ करेंगे कुछ नहीं होता जिन्हें करना होता है वो आज शुरू करते हैं और जब आप आज शुरू कर देते हो ना तो रास्ता अपने आप निकल आता है ये आइधर और नहीं होता है कि ये सब छोड़ दूंगी तो ही वो दूसरा काम शुरू करूंगी देखिए ऐसे करा जाता है दूसरा काम जो भी आप चाहते हो जो आपको सही लगता है अपनी दृष्टि से आप शुरू करिए और फिर वो काम जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना वो वैसे वैसे आपका समय और आपका मन अपनी ओर खींचता जाता है और ऐसे करके वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो दूसरी चीज़ है उसको छोड़ ही देती हैं आप जो चाह रहे हो आप चाह रहे हो एक क्लियर एंड कंप्लीट ब्रेक इन वन स्टेप वो वन स्टेप में नहीं होगा इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन ग्रेजुअल प्रोसेस हम सोचते हैं एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं जॉब से रिज़ाइन रे, करूँगी और उस दिन दूसरे और फिर मैं अपना कोई काम शुरू करूँगी मान लो भाई मैं 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 राइटर हूँ मैं लिखना चाहती हूँ कुछ भी आप पेंटर हैं आप कलाओं में हैं विज्ञान में जो भी आप करना चाहती हैं समाज सेवा करना चाहती हैं आपको लगता है वो सब तब शुरू करूँगी नहीं वैसे नहीं होता उसको अभी शुरू करिए और ईमानदारी की बात भी है ये ना अगर वो काम मुझे इतना प्यारा है तो प्यारे को इतना विलम्ब कौन करवाता है प्यार को इतनी प्रतीक्षा कौन करवाता है प्यार का तो अर्थ ही है कि इंतजार किया नहीं जाता उसमें अगर उस काम से प्यार है तो इतना इंतजार क्यों नहीं कर सकते आप उसको फुल टाइम तो अंशकालीन शुरू करिए पर आज शुरू तो करिए नहीं कर सकते आठ घंटे तो एक घंटे शुरू करो फिर वो जो एक घंटा है ना चूंकि वो प्यारा है तो वो एक से बढ़ के डेढ़ होता है तो धीरे से घुसाता है आपकी जिंदगी में भाई डेढ़ से दो होता है आप कहते भी हो तुझसे कुछ मिलता तो है नहीं हर समय बस अभी तुझे और समय चाहिए अभी तुझे और समय चाहिए जैसे ज़िंदगी में कुछ आ गया हो हुँ? घर में एक नई बिल्ली आ गई है एक नया कुत्ता आ गया है कुछ या घर में एक बच्चा आ गया है तो धीरे धीरे आपका उस समय और ले रहा है ले रहा है बढ़ता जा रहा है प्यार आपको गिरफ्त में लेता जा रहा है लेता जा रहा है मैं तो मुझसे बात करेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा काम ही प्यार होता है और फिर वो आपको ऐसे अपनी गिरफ्त में लेता जाता है दो घंटे बाद आपको चार घंटे ले लेगा फिर छः घंटे ले लेगा फिर आपके जॉब वाले आपको खुद ही फायर कर देंगे फिर रिजाइन करना ही नहीं पड़ता जब ये जो आपने काम लिया है ये आपके छः घंटे आठ घंटे लेने लगेगा तो आपके बॉस लोग आपको खुद ही फायर कर देंगे फिर आप बढ़िया नाचते हुए आएंगे भला हुआ मोरी भला हुआ मोरी गगरी फूटी अब मैं स्वाइपकरण से छूटी छूट गए क्योंकि अपने भरोसे रहोगे कि मैं एक दिन रेजिग्नेशन डालूंगी मैं इतने लोगों को जानता हूं कॉरपोरेट में तीन ही चार साल काम किया लेकिन जानता हूं जिन्होंने रेजिग्नेशन लिख लिख के ड्राफ्ट में डाले हुए थे और वो उस ड्राफ्ट को रिफाइन रिवाइज करते रहते थे सेव एज ड्राफ्ट वो सेंड बटन कभी नहीं दबा पाए और बाद में मुझसे बोलते थे तेरा बढ़िया है यार तेरा तो सीधे ही उड़ जाता था जहां भी रहा साल से ज्यादा नहीं रहा उड़ गया तीन बार जम्बा चौड़ा लिखना ही नहीं था मैं तो जब जाता तो दो लाइन का लिखता था लिख के चल देता था ये योजना वोजना कुछ नहीं जो करना है वो करो ना मैंने तो ऑफिस में बैठ के भी कविताएं लिखी हैं तो हम्म बहुत योजनाबाजी से काम नहीं चलता बस दिल को एक बहाना दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कहें रिटायर होने के बाद मैं बहुत ऊंचा काम करूँगी दिल को बहलाने को गालिब ये कुछ नहीं होता रिटायरमेंट के बाद समझ में आ रही बात शुरू तो कर लो एकदम छोटा सा शुरू कर लो 20 मिनट का कि रोज़ इसमें 20-25 मिनट दे देंगे फिर देखो 20-25 मिनट खुद ही ऐसे, ऐसे 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 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कहीं ना कहीं हमें पता है कि शुरू करेंगे तो बढ़ जाएगा तो हम शुरू ही नहीं करते आप इतना क्यों परेशान इतना तो है? हमने तो यही कहा पंद्रह मिनट के लिए तो शुरू करिए मैंने किया है हाँ उसमें बहुत सो so बेसिकली एक छोटा सा मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ तो वहां पे थोड़ा छोटा सा एक शेल्टर शुरू किया था पर जब देखा कि बहुत पैसे लग रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है तो बीच में बंद कर दिया फिर दोबारा गई वापस फिर दोबारा ऐसे बैक एंड फोर्थ बहुत होता है और थोड़ा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मेरी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है फिर यू you नो know, तो आई डोंट थिंक ढंग से कभी करनी भाती है, हमेशा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा काम आप कर रहे हो ना जो सिर्फ आपका नहीं हो तो उसमें फिर यह शर्त भी क्यों रख रहे हो कि पैसा भी सब सिर्फ आपका ही हो आप अगर अपने घर के लिए कुर्सी लेके आ रहे हो वो कुर्सी सिर्फ आपके काम आनी है तो पैसा भी सिर्फ आपका ही होना चाहिए आप अपने घर के लिए कुर्सी ला रहे हो वो कुर्सी सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे आप किसी और को तो करने दोगे नहीं तो फिर वहाँ जायज़ बात है कि पैसा भी सिर्फ आपका होना चाहिए पर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सबको लाभ होना है तो उसमें क्यों कतरा रहे हो सबसे पैसा लेने से परमारथ के कारण मुहेना लाज आप अगर प्रकृति पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हो तो इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा ना तो बताओ दुनिया को कि ये कर रही हूँ और बता दो साफ साफ अभी इतने पशु हैं इतना, है, इतना है ये खर्चा है इसमें योगदान करना है तो करो बाकी मेरे पास जितना है मैं अपनी ओर से लगा ही रही हूँ एक कहानी है कि अहंकार कैसे कैसे रूप लेता है कि पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं वो भी अहंकार का ही एक रूप हो सकता है तो एक एक जवान आदमी था उसको कुछ बात सिखानी थी तो उसको एक बहुत बड़े पत्थर के पास ले जाया गया वो पत्थर जो था उसको राज्य का जो सबसे बड़ा पहलवान था वही हिला पाता था अब इस आदमी को लेकर बोले पत्थर हिला अब ये लगा रहा है पूरा जोर पत्थर तो हिले नहीं तो उसका जो गुरु था वो बगल में ही खड़ा हुआ था बोला अपनी पूरी ताकत लगा अपनी पूरी ताकत लगा उसने पूरी ताकत लगाई अभी भी नहीं हिला गुरु ने पांच बार आठ बार ये दोहराया और फिर अपनी शब्द पे जोर देने लगा बोला अपनी पूरी ताकत लगा अब शिष्य सुन रहा है अपनी वो अपनी से यही शब्द समझे अर्थ समझे कि मेरी माने इस देह की यह जो जीव है इसी की अंततः गुरु ने भी अपने दोनों हाथ लगा दिए पत्थर हिल गया गुरु ने कहा तुझे कुछ बात समझ में आई तू आत्म शब्द की बहुत संकुचित व्याख्या कर रहा था तू अपनी माने समझ रहा था तेरी जबकि अपनी का अर्थ होता है तेरी और मेरी तेरी ताकत में यह भी शामिल है कि तू मेरी ताकत भी मांग ले तू मेरी ताकत को पराई मान रहा था ना इसीलिए तेरी ताकत पूरी नहीं बैठ रही थी तुझमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ की भावना बहुत ज्यादा है तू अपने पराई में ज्यादा चल रहा था इसीलिए पत्थर तुझसे हिल नहीं रहा था जब मैंने कहा अपनी पूरी ताकत लगा तो पूरे का अर्थ यह होता है कि तेरी भी और मेरी भी समझ इस बात को आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको जो करना है अपनी ही सैलरी से करना है यहां इतने लोग बैठे हुए इनके पास भी तो सैलरी है आप जब किसी आप शेल्टर शुरू करना चाहते हो आप जब किसी बछड़े को मेमने को कुछ बचा रहे हो तो वो कोई आपका व्यक्तिगत मसला थोड़ा ही है वो तो दुनिया भर का मसला है तो बता दो दुनिया को कि ये कर रही हूँ जिनमें आत्मसम्मान होगा वो खुद आपकी मदद करेंगे जिनमें नहीं होगा वो नहीं करेंगे Thank you, sir.